हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर एके सिंह और आज हम फिर से DSSSB की तैयारी करेंगे। यानी कि आपने पहली वीडियो तो देख ही ली होगी जो कि आपकी थी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाली। तो अब क्या है, यूज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी का पढ़ेंगे। यानी कि लाइब्रेरी में ही हम यूज़र लाइब्रेरी, यूज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ द लाइब्रेरी, इसी में आपको क्या पढ़ना है, कलेक्शन, मेंटेनेंस, सेलिविंग, स्टॉक वेरिफिकेशन, बाइंडिंग एंड प्रोवेशन एंड वीडिंग। चलिए, ये आपको सारे मैंने करा भी रखे हैं KVS में, तो आपने उसमें भी आपने पढ़ा ही होगा। तो चलिए सबसे पहले एक एक टॉपिक को लेके चलते चल जाते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला आता है आपका क्या, जो टॉपिक है वो है यूज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी। भाई सीधी बात है, यूज़ ऑफ़ द लाइब्रेरी पढ़ते हैं, फिर मेंटेनेंस ऑफ द लाइब्रेरी पढ़ लेना है। अब यूज़ ऑफ़ द लाइब्रेरी में क्या है, आप बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि लाइब्रेरी को यूज़ करना ही नहीं आता। यानी कि आप लाइब्रेरी में गए, जाकर लाइब्रेरी का मतलब क्या है, आज अगर कोई आपसे पूछे कि आप लाइब्रेरी का एग्ज़ाम पढ़ रहे हो या एग्ज़ाम दे रहे हो तो लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, जाकर किताब लेके और वहाँ पढ़ लेना, नहीं। लाइब्रेरी का मतलब ये है कि जो आपके पास संसाधनों की कमी है, जो आपके पास आप अपने समय के अनुसार संसाधनों को जुटा नहीं पा रहे, उन संसाधनों को उस संस्था के द्वारा अवेलेबल करवाना और पढ़ना। यानी कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, नीट की कोचिंग कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर UPSC की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। UPSC की मैं बड़ी चीज़ मानता हूँ और नीट भी बड़ी चीज़ मानता हूँ, क्योंकि इनमें बुक्स ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मटेरियल है वो है 50,000 का, मान लीजिए हमने, ठीक है, 50,000 का सामान है और इसका भी मैंने मान लिया 50,000 का ही सामान है, यानी कि 50,000 की बुक्स हैं। अब कोई बच्चा 50,000 की बुक खरीदने में या फिर जो टेक्स्ट बुक है उनको खरीदने में पैसा वेस्ट करेगा, या फिर कोई बच्चा लाइब्रेरी में जाकर 500 रुपये महीना, मान लीजिए हमने, और अगर पब्लिक लाइब्रेरी अच्छी लाइब्रेरी तो 1,000 रुपये साल का खर्चा देकर इन किताबों को एक्सेस कर या फिर इन किताबों को लेकर वहीं पढ़कर उनसे नोट्स बनाकर ज्ञान को प्राप्त करेगा, वो सही है। भाई दूसरा ऑप्शन सही है, यानी पहला ऑप्शन में क्या है, खर्चीला, और दूसरे ऑप्शन में क्या है, बेटर है। वो जो 50,000 रुपये, मान ले एक साल में एक कितने हो गए, 6,000 रुपये हो गए, ठीक है, 6,000 रुपये हो गए। अब 6,000 में, यानी 50,000 में 6,000 माइनस करते हैं तो उस बच्चे के कितने रुपए बचे, 44,000 रुपए बचे। तो ये बेटर रहेगा या ये बेटर रहेगा, ये बेटर रहेगा, क्योंकि किताब सारी यहाँ मिल रही है, उसे किताब लाइब्रेरी से इशू करानी है, नोट्स बनाने हैं। भाई पढ़ना तो तब भी है, खुद ही है, नोट्स तो खुद ही बनाने हैं। तो लाइब्रेरी का यूज़ क्या होता है, लाइब्रेरी का यूज़ क्या है कि आपके पास जो संसाधन नहीं है, सस्ती कीमत पर संसाधनों को मुहैया कराती है लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी आपको एक पढ़ने का स्थान प्रोवाइड कराती है। यही यूज़ है लाइब्रेरी का। जो बच्चे सोचते हैं कि लाइब्रेरी में जाकर पढ़ो और बस पढ़ते रहो, अपनी किताब ले जाओ, लैपटॉप ले जाओ, फलाना ले जाओ, टेढ़ा ले जाओ, वो यूज़ नहीं है। लाइब्रेरी का यूज़ क्या है, लाइब्रेरी का यूज़ लाइब्रेरी के सभी संसाधनों को यूज़ करते हुए ज्ञान की प्राप्त करना है। यानी कि लाइब्रेरी का क्या काम है,
ज्ञान को प्राप्त करना। ठीक है, चलिए लाइब्रेरी का यूज़ समझ गया। अब आता है आपका मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी। मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी में देखिए ये काम आता है लाइब्रेरियन का। अब मेंटेनेंस क्या है, ये है आपकी इतनी बड़ी लाइब्रेरी, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन फिगर को। ये है लाइब्रेरी, ये है लाइब्रेरी का गेट, मेन गेट। ठीक है, यहाँ पर लगी हुई है सारे के सारी अलमीरा। ठीक है, ये लगी हुई है अलमीरा, यहाँ पर बैठा है आपका लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन। इसके साइड में लगी हुई है अलमीरा में इंसाइक्लोपीडिया बोलो, जितने भी रेफरेंस सेक्शन है। ये अलमीरा लगी हुई है, यहाँ पर है आपका दो न्यूज़पेपर स्टैंड। ठीक है, समझते जाना, ये छोटी लाइब्रेरी का बता रहा हूँ मैं, अभी बड़ी लाइब्रेरी का भी मैं बताऊँगा आपको। ये है बीच में आपकी पूरी की पूरी टेबल। ठीक है, ये मान लिया हमने टेबल है। ठीक है, यही तो होती है आपकी एकेडमिक लाइब्रेरी में, इस तरह के तो होता है। अब और क्या बचा, रीडिंग रूम्स हो गया, यहाँ पर हो गया आपके जितने पीरियोडिक्स लगे हुए एक स्टैंड, यानी कि पीरियोडिक्स का स्टैंड। तो यहाँ से घुसे आपने पीरियोडिक्स का स्टैंड सामने दिख गया, यह रेफरेंस सेक्शन हो गया। यहाँ पर पूरे में आपको इशू कराने, ये बुक्स की लाइन लगी हुई है, यहाँ पर हो गया न्यूज़पेपर स्टैंड, इस तरह का ही तो होता है। अब मैनेजमेंट यानी कि मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी में क्या करना है, लाइब्रेरियन का क्या काम है, यहाँ पर जितनी भी सारे जर्नल्स हैं पीरियोडिक्स हैं वो लगे रहें, रेफरेंस सेक्शन में रेफरेंस अप टू डेट रहे, न्यूज़पेपर है न्यूज़पेपर उस दिन का, जैसे आज तारीख है मान लीजिए 12 मार्च है, तो 12 मार्च का न्यूज़पेपर इसमें और इसमें जो भी न्यूज़पेपर मेन मेन है जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हों उसमें स्टाम्प मार के यहाँ लगा दे, यही तो काम होता है। तो मेंटेनेंस में यही आता है कि लाइब्रेरी को एक अच्छे व्यवस्थित यानी कि लाइब्रेरी मैनेज मेंटेनेंस में लाइब्रेरियन का यही कार्य है कि लाइब्रेरी एक अच्छे व सही तरीके से लाइब्रेरी चल सके और लाइब्रेरी में पाठक की समय की बचत को देखते हुए लाइब्रेरी के सभी संसाधन अपने स्थान पर हो। भाई जब अपने अपने स्थान पर, आप मान लीजिए आपका कमरा है, ठीक है, सीधे सीधे आप ये मान के चलिए आप कमरा है, अगर सुव्यवस्थित ढंग से उस कमरे में सारी चीज़ें लगी होंगी तो आपको ढूंढने में आसानी होगी कि नहीं होगी, समय बचेगा। मान लीजिए एकदम आपको कहीं जाना पड़ गया, आपकी चाबी कहीं पड़ी है गाड़ी की या फिर बाइक की चाबी पड़ी, तो आप ढूंढोगे 10 मिनट में वेस्ट, और आपको पता है कि इस लॉकर में रखी है तो वहाँ से एकदम निकाल लोगे। तो वही होता है लाइब्रेरी मेंटेनेंस का कार्य। ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं, सर्कुलेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है कोई बता सकता है भाई? सर्कुलेशन एक्टिविटी, आपने ये एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है तो इसलिए इस चीज़ को एक्टिविटी लेके चलेंगे हम, एक्टिविटीज़, सर्कुलेशन एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना।
तो लाइब्रेरी सर्कुलेशन एक्टिविटी वो होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लाइब्रेरी में आप इशू कराने के लिए जा नहीं सकते, मतलब अपनी बुक को खुद नहीं ले सकते, या फिर उसको चेक कराना पड़ता है। यानी कि आपने कहा लाइब्रेरियन से कि मुझे ये बुक चाहिए, लाइब्रेरियन ने उसे 2 या 3 मिनट बाद आपको जूनियर लाइब्रेरियन निकाल के दे देता है। वो चीज़ भी सर्कुलेशन में आती है, याद रखना, लाइब्रेरी में सर्कुलेशन में वो भी चीज़ आती है, सर्कुलेशन एक्टिविटी में। और सर्कुलेशन एक्टिविटी क्या होती है, उसमें क्या होता है, जितना भी चेक मटेरियल है, यानी कि सर्कुलेशन इज़ ए लाइब्रेरी टीम, सॉरी टर्म दैट मीन्स द चेकिंग आउट लाइब्रेरी मटेरियल टू यूज़र, इट यूज़र टू डिज़ाइन दैट द सर्विस डेस्क, यानी कि एक तरह से जो रिटर्न करने की, यानी कि जो रिसीव एंड रिटर्न करने की जो पॉलिसी है लाइब्रेरी स्टाफ और लाइब्रेरियन के द्वारा, वो सारी सर्कुलेशन के, यानी कि यहाँ पर है यूज़र, यूज़र ने लाइब्रेरियन से एक किताब मांगी, ठीक है, एक्स वाई जेड, जूनियर लाइब्रेरियन ने वो किताब, ये जूनियर लाइब्रेरियन लिख रहा हूँ मैं, जूनियर लाइब्रेरियन ने वो किताब निकाल कर यूज़र को दी, ठीक है, यूज़र ने उस किताब को पढ़ा 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए होता है, अब 7वें दिन के बाद वो फिर जाएगा लाइब्रेरी, उसको क्या करेगा बताइए, जमा करवाएगा या फिर रीशू करवाएगा। तो वो जो प्रक्रिया चलती रहती है, ये जो प्रक्रिया चलती रहती है, वो सर्कुलेशन एक्टिविटीज़ में काउंट होती है, याद रखना, सर्कुलेशन एक्टिविटीज़ में उसकी जो चीज़ें हैं सारी आएंगी। और उसमें क्या हो गया, उसकी प्लानिंग भी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन भी हो गई, एक्टिविटीज़ भी हो गई, भाई स्टाफिंग भी आ गया, लाइब्रेरी सर्विस भी आ गया, इंटरप्रिटेशन भी आ गया, यानी कि इन जो सर्विस एक्टिविटीज़ में हैं वो सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर देगा। और ड्यूटी किस किस किया, जूनियर लाइब्रेरियन भी चला गया, लाइब्रेरी भी हो गई, फंक्शन भी हो गए, लाइब्रेरी सर्विस भी हो गई, पॉलिसी भी हो गई, सब चीज़ें। अगर 7 दिन के बाद वो करता है तो पॉलिसी लैप्स होती है, जूनियर लाइब्रेरी उसमें जाकर उसे देगा, यानी कि एक तरह से सर्कुलेशन में आपकी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी ही होंगी, ठीक है बच्चों। चलिए, इसके बाद था मेंटेनेंस, मेंटेनेंस आपको पढ़वा दी, अब आपको पढ़ता है SI, स्लेविंग, बताइए क्या होता है। अब स्लेविंग क्या होता है, लाइब्रेरी स्लेविंग भाई, सीधे सीधे अलमारी, अलमारी समझते हो ना, वो होता है भाई। देखो, लाइब्रेरी का कौन सा नियम ये कहता है कि हमें पाठक का समय बचाना है, चौथा नियम कहता है। और चौथे नियम में आपको पता ही है कि क्या कहता है, वो किस तरह समय बचाता है, अलमारी के द्वारा, यानी कि स्लेविंग जो होती है वो इस तरह की होनी चाहिए जो खुली हो, जैसे जैसे ही जाए उसे बुक दिख जाए, दूर से ही बुक दिख जाए कि इस ये बुक यहाँ लगी हुई लाइब्रेरी में। और आपको पता ही, लाइब्रेरी में किस तरह बुक लगती है, इस तरह बुक लगती है ना, कि यहाँ पर उसका नाम लिखा रहता है, जैसे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी, इस तरह क्यों लगी रहती है। और उस ओपन रैक रखा जाता है, ओपन रैक रखने का मतलब ये है कि जिससे कि स्लेविंग, यानी कि ओपन रैक लाइब्रेरी का जितने भी होती है, इसलिए रखी जाती है कि जिससे कि पाठक का समय बचे, ये सीधे सीधे इसका कार्य यही होता है। फिर होता है कि क्या नाम का, जो बुक्स होती हैं उसमें उमस या इस तरह की चीज़ें ना लग जाए, ये इसलिए रखा जाता है, यानी कि ये पाठक का समय बचाने के लिए ओपन एक्सेस वाली होती हैं। फिर क्या है, ये पाठक को बुक आसानी से मिल जाए, ऐसी होती हैं, ठीक है, ये जो दोनों चीज़ें
इसलिए होती हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं, अब चलते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक ये तो पता होगा आपको, स्टॉक वेरिफिकेशन का तो क्वेश्चन हर हालत में आपको जब आपने लाइब्रेरी साइंस करी होगी तो मिला ही होगा, इसके बिना तो आपने पार करी ही नहीं होगी लाइब्रेरी को। अब स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है? स्टॉक वेरिफिकेशन का मतलब ये है, ये ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा भाई, जीरो बेस्ड बजट और बजट, जीरो बेस्ड बजट स्लैश बजट BUDGET, ये तो थी स्पेलिंग, हाँ बजट, ये दो नाम सुने होंगे। अब क्या होता है, एक साल में होता है। अब स्टॉक वेरिफिकेशन का भी मतलब ये है कि आपका स्टॉक वेरिफिकेशन ज़्यादातर एक साल में ही करा जाता है, क्योंकि स्टॉक वेरिफिकेशन बजटिंग के साथ ही कर दिया जाता है। स्टॉक वेरिफिकेशन, स्टॉक वेरिफिकेशन में क्या होता है, स्टॉक वेरिफिकेशन में ये है आपकी लाइब्रेरी में 2000, ये क्या चल रहा है 2023 2022 में हमारे पास 10,000 किताब थी सब चीज़ों को मिलाकर, 2023 में वो आते आते 9,850 रह गई, ठीक है, कितनी किताब कम हो गई, 150। क्योंकि लाइब्रेरी में ये मत समझ लेना कि लाइब्रेरी का मतलब यही है कि हज़ार की हज़ार, 10,000 किताब का मतलब ये 10,000 किताब मिलती है ना, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने पहली बार लाइब्रेरी की पढ़ाई कर रहे हो और पहली बार आप लाइब्रेरी में जाने की सोच रहे हो तो ये याद रखना, बच्चे किताब चोरी करते हैं। अगर चोरी ना करें, यानी कि चोरी ना करें, बहुत सारे रीज़न होते हैं चोरी करना, एक तो थिफ्ट यानी चोरी करना सबसे पहला आता है चोरी, फिर आता है बुक फट जाना या फिर उसमें कीड़ा लग जाना, कुछ भी हो जाना, यानी कि मिस बुक, मिसिंग बुक नहीं, अभी मिसिंग बुक के बारे में, फिर आता है जो मिसिंग हो जाती है बुक, ठीक है, तीसरी, चौथी ये होती है कि बच्चे ने बुक ली, उसने अपने पास रख ली, वो आपको देना नहीं चाहता, हमें करना है फ़ाइन, यानी चौथी बुक तो भाई फ़ाइन का। अब ये तो नहीं है कि आप ये कहोगे ज़बरदस्ती बुक वही ला बुक, दो रीज़न होते हैं, या तो आप उसे कहो कि बुक वही ला के दो, या फिर उसे फ़ाइन लगा के, डबल फाइन लगा के बुक को उसमें कर देते हैं, किस में बुक, यानी कि बुक खोने में, मिसिंग बुक में डाल देते हैं। तो ये सब रीज़न होते हैं क्या, बुक के हमारे कम होने के। अब स्टॉक वेरिफिकेशन क्या करता है, स्टॉक वेरिफिकेशन ये करता है आपका कि आपकी लाइब्रेरी में जो 10,000 किताब थी पिछले साल, वो इस बार कितनी बची हुई हैं, भाई इससे अमाउंट पता लगे स्टॉक वेरिफिकेशन से। पीरियोडिक्स एंड जर्नल्स कितने बचे हुए हैं, बजट कितना है हमारे पास लाइब्रेरी को, नया पीरियोडिक्स कितना चाहिए, फिर लाइब्रेरी को कितने न्यूज़पेपर जो पिछले साल थे उन्हें बेच दिया जाएगा, जो पीरियोडिक्स है उन्हें बेच दिया जाएगा, फिर नया बजट कितना आएगा, नई किताब कितनी आनी है, यानी कि सब काम जो है स्टॉक वेरिफिकेशन से ही होता है। बजटिंग एक मेन चीज़ है, पर स्टॉक वेरिफिकेशन जब करा जाता है तो स्टॉक वेरिफिकेशन में पिछला ध्यान में रखते हैं, यानी कि इस 10,000 किताब थी और फिर उसके बाद डिमांड, यानी कि 10,000 किताब पे थी 500 स्टूडेंट लिखते हैं हम, 500 स्टूडेंट, अब आपके आ रहे हैं 1,000 स्टूडेंट, तो इसकी किताबों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और किताबों की संख्या किस में बढ़ानी पड़ेगी, बच्चों के इंटरव्यू लेकर, बच्चों के फॉर्मेट लेकर, बच्चों के फॉर्मेट सेक्शन में क्वेश्चनेयर के लेकर, यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन को एक तरह से पूर्ण जाल माना जाता है। स्टॉक वेरिफिकेशन में जब इंटरव्यू ले लोगे, आपका बच्चा क्या कर रहा है, UPSC की तैयारी कर रहा है, SSC की तैयारी कर रहा है, तो उन्हें क्या चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, द हिंदू वाले न्यूज़पेपर चाहिए, करंट अफेयर के चाहिए, जर्नल चाहिए, सारे के सारे इस तरह के चाहिए, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा प्रीफर करोगे, यानी 10-10 कॉपी मंगा लोगे, इससे कि 10-10 कॉपी रहे। तो इस तरह का स्टॉक वेरिफिकेशन, यानी स्टॉक वेरिफिकेशन में एक साल के पूर्ण जितना पिछले साल था उसका कितना बचा है हमारे पास वो देखा जाएगा। चलिए आप इसे छोड़ दीजिए, पूरी इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, ये है आपका घर, एक महीने का राशन आता है, ठीक है, एक मंथ का राशन आता है, आज है 12 तारीख, यानी कि 7 तारीख को किसी को पेमेंट मिली,
8 तारीख को सामान आ गया घर में, ठीक है आ गया। अब 8 तारीख से 8 मार्च से, मार्च ही चल रहा है, हाँ 8 मार्च से अगली तारीख 8 मार्च तक आपके यहाँ सामान ख़त्म हो जाएगा फरवरी। फिर आप लिस्ट बना के सामान लेके आओगे, लेके आओगे कि नहीं। फिर उससे पहले जब सामान लेके आओगे तो आप क्या करोगे, नमक कितना है या नहीं है, आधा पैकेट बच रहा है, हल्दी कितनी है या नहीं है वो देखोगे, ये सब चीज़ देखते हो कि नहीं देखते हो, वो भी आपके वो घर का स्टॉक वेरिफिकेशन है और यहाँ पर हमें लाइब्रेरी का स्टॉक वेरिफिकेशन करना है। तो यही कहलाता है स्टॉक वेरिफिकेशन। ध्यान रखना स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है, स्टॉक वेरिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जब आप लाइब्रेरी के वी एस वाले बच्चे को तो मैंने बता दिया था कि स्टॉक वेरिफिकेशन का, जिस दिन आप लाइब्रेरी के इंटरव्यू में जाओगे तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्टॉक वेरिफिकेशन तो पूछा ही पूछा जाना है। दो तीन क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जो पूछे ही पूछे जाने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है बाइंडिंग, हिंदी में क्या कहते हैं, जिलद कार्य संकुच कहते हैं। तो बाइंडिंग का मतलब क्या है, यानी कि सीधे सीधे बात ये, हर लाइब्रेरी जो आपने बड़ी लाइब्रेरी देखी होगी, बड़ी लाइब्रेरी में ना एक चीज़ होती है वो अभी तक, यानी कि मैंने बीएड की लाइब्रेरी, यानी कि बीएड के प्रोफेशन में हो तो बीएड लाइब्रेरी, इंजीनियरिंग लाइब्रेरी, और ज़्यादातर इस तरह की लाइब्रेरी में, एकेडमिक लाइब्रेरी में मैं अभी तक इतना वो हूँ नहीं, क्योंकि एक ही बार एक दो बार गया हूँ, क्योंकि वो भी इस वजह से क्योंकि स्टूडेंट थे। अब जिलद सेक्शन में क्या होता है, जिलद सेक्शन में हर लाइब्रेरी जो बड़ी लाइब्रेरी होती है वो अपने स्टाम्प की, यानी कि अपने एक फॉर्मेट की किताबों की बाइंडिंग करवाती है, और वो लेदर बेस्ड या फिर प्लास्टिक बेस्ड इस तरह होती है। उसमें क्या फ़ायदा होता है, जैसे ये लाइब्रेरी, ये है हमारी किताब लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की किताब है, तो इसका जो इधर वाले सेक्शन होगा, यानी कि जो ऐसे हम पुक पुक पकड़ते हैं उस सेक्शन पे जहाँ पर नाम लिखा होगा, यहाँ पर उसी सेक्शन में यहाँ पर उस बाइंडिंग वाली बुक पर नाम लिखा होगा, नंबर लिखा होगा, उसको अलग फॉर्मेट में, जिससे कि अगर आप बहुत सारी मान लीजिए महंगी महंगी किताब होती है, जैसे इंजीनियरिंग किताब है भाई, बच्चा भी वही किताब ले रहा और आप भी वही किताब ले रहा हो, ठीक है। किसी बच्चे ने सीक्रेट नंबर, पहली बात तो सीक्रेट नंबर किसी को पता नहीं होता, सीक्रेट नंबर भी पता चला लिया लाइब्रेरी का, सारे गए ना जितनी भी मार्क हैं वो सारे फाड़ दिए, स्टाम्प भी हटा दी, सब कुछ हटा दिया, और वही बुक बच्चे के पास, मतलब वो कह दिया कि मेरी बुक है, तो आप कैसे मान लोगे भाई, उसने तो सारी चीज़ आप उसके पास जितने भी सबूत थे उसने दिखा दिए, सीक्रेट नंबर भी नहीं है इस बुक में, ये जो स्टाम्प लगी है वो भी नहीं है सब, वो तो कह देगा मेरी बुक है। इसलिए लाइब्रेरी में बाइंडिंग का प्रोसेस ये होता है, ये हो गया नंबर वन बाइंडिंग, यानी कि बाइंडिंग क्यों कराई जाती है इसलिए। दूसरा बाइंडिंग है जैसे जो हमने अभी पढ़ा ये वाला सिस्टम, यानी कि 850 किताब ख़त्म हो गई या फट गई, मान लीजिए अब इसमें 150 जो बुक है इसमें से 50 किताब ऐसी हैं जो फट गई, जिनके पन्ने निकल गए या फिर कुछ भी हो गए, बात मान लेके चलते हैं कि पन्ने वन्ने निकल रहे हैं, तो इस तरह की किताब भी होंगी। अब ये थोड़ी कि आप सारी किताब रद्दी में फेंक दोगे या फिर किताब को उसे मिसिंग सेक्शन में या फिर फट गई या पूरे सेक्शन में मिस सेक्शन में चला के नई किताब मंगा दोगे, नहीं भाई, लाइब्रेरियन का काम ही क्या है, लाइब्रेरी का काम ही है बही खाता खोलो। अब बही खाते में क्या करना है, हमारा बजट नहीं है नई किताब मंगाने का, तो हमारा क्या करना है, इन 50 किताबों में 10-20 रुपये की बाइंडिंग करवा कर उसे फिर दोबारा क्या कर देना है, लाइब्रेरी में लगा देना है। तो यही काम होता है बाइंडिंग का, यानी सिंपल सीधे ये काम होता है बाइंडिंग का। चलिए नेक्स्ट है प्रिवेंशियस, यानी कि जल्दी में यही चक्कर होता है थोड़ा सा, प्रिवेंशियस। अब ये क्या होता है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरह से संरक्षण करना, संरक्षण। भाई आपने लाइब्रेरी में एक चीज़ और तरीके से देखी होगी,
कभी भी लाइब्रेरी में जो किताब, ये है अलमारी आपकी, ठीक है, अलमारी में शीशे वाली अलमारी होती है, तो उसमें कभी भी ठूस ठूस के किताब नहीं रखी जाती। उसमें इतना गैप रखा जाता है कि बच्चा किताब को एक, जैसे कि यहाँ से एक लाइन में 100 किताब आ सकती हैं, ठीक है, तो इसमें 95-90 किताब रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? अगर 100 किताब रखी जाएगी और कोई बच्चा उसे खींच के निकालने लगा, तो खींच के निकालने निकालने में, यहाँ से खींच के निकालने निकालने में, ऐसे ऐसे करते करते खींच के निकालने में 4 बुक और फट जाएंगी, फटेंगी कि नहीं फटेंगी। तो इस तरह से, इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और जो पुस्तकालय, जो यानी पुस्तकालय अध्यक्ष कहेंगे, और लेखापाल जो होगा, यानी जो उसको एक तरह से संरक्षण करने वाला काम होगा, बाइंडिंग वाला काम होगा, ये सब चीज़ों को इस तरह से रिकॉर्ड करके रखा जाता है, जिससे कि सुरक्षित रूप में हमारा रिकॉर्ड रखा जाए। लाइब्रेरी में आप की तो छोटी लाइब्रेरी, जो हिस्टोरिकल लाइब्रेरी होती है, उसमें कभी भी आपको ना, आपने हिस्टोरिकल लाइब्रेरी में, चलिए मैं आपको एक, मुझे भी, हाँ, मिस्टर बीन जो थे ना, मिस्टर बीन वाली जो सीरीज़ है, आपने कभी भी देखी होगी, क्योंकि वो तो बहुत फेमस है, सभी ने, हमारे एज के सभी ने देखी है। तो मिस्टर बीन जब ये लाइब्रेरी में जाता है, वो तो लाइब्रेरियन से उसे कहता है मुझे ये किताब चाहिए, भाई वो तो बोलता था ही नहीं वो, तो उसमें वहाँ जाके किताब कहता है, और किताब में लाइब्रेरियन उसे ला कर उसे कहता है ग्लव्स पहन लो और ये सब चीज़ें पहन कर, उसके आगे एक पन्ना खोल कर ऐसे किताब रख देता है, रख देता है। अब उसे आती है छींक, वो छींक के द्वारा उसके पन्ने पर, मतलब हिस्टोरिकल किताब होती है, तो उसका पन्ना बेकार हो जाता है। वो क्या करता है, उस किताब के वो फाड़ देता है, मतलब उस पन्ने को फाड़ के ले जाता है। ले जाता कि नहीं ले जाता? यहाँ पर लाइब्रेरी का पन्ना फट गया, अब ये किताब तो बर्बाद, वो निकलनी शुरू हो जाती है, उसे ऐसी देकर वो भाग जाता है, ऐसे ही होता है। चलिए अब मिस्टर बीन भी ना देखियो आपने, अभी कौन सी पिक्चर आई है, कार्तिकेय 2, कार्तिकेय 2 वाली पिक्चर आई है, कार्तिकेय 2 नहीं, सॉरी, कार्तिकेय 2 बोला हूँ, कार्तिकेय आर्यन की कोई, इस कार्तिकेय आर्यन बोल रहा हूँ यार, जो अभी कृष्ण जी के ऊपर जो पिक्चर बनी थी, जिसमें साउथ की पिक्चर थी, तो आपने वो देखा होगा, या नाम था उसका कार्तिकेय 2 है शायद से, कार्तिकेय 2 है। तो कार्तिकेय 2 में आपने एक चीज़ देखी होगी, जब वो प्रोफेसर होता है, वो बाहर की यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ से पन्ना फाड़ लाता है, ऐसा कभी नहीं होता। और अगर पन्ना फाड़ भी लाते हैं, तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में पहली बात तो इन तरह की चौंचलेबाजी नहीं है। जो मिस्टर बीन वाली कहानी थी, आपको अलग से, जो हिस्टोरिकल बुक होंगी वो अलग से, जो लाइब्रेरियन होगा या फिर उसके सुपरविज़न करने वाला होगा, वो अलग से ला कर आपको देगा, क्योंकि उनका मानना ये है, आपने एक पेंटिंग का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं विंची, यानी कि लियोनार्डो दो विंची, उनकी पेंटिंग है, या बहुत सारी पेंटिंग जो पुरानी पुरानी है, जैसे जीसस की पेंटिंग मानी जाती है, ओरिजिनल जीसस की पेंटिंग है, उसे आज भी ओरिजिनल नहीं रखा जाता, उसकी कॉपी दी जाती है। जैसे मान लीजिए डेवल्स बुक मानी जाती है, डेवल्स बुक जो ओरिजिनल वाली है वो कभी नहीं दी जाती, उसकी कॉपी दिखाई जाती है। क्यों दिखाई जाती है? लाइब्रेरियन का मानना है या लाइब्रेरी संस्था का मानना है, अगर आप उस बुक को ले लोगे या उस बुक को यूज़ कर लोगे, तो आप उसका नाश कर दोगे, सीधे सीधे ये एक ही वर्ड माना जाता है कि आप उसका नाश कर दोगे। इसलिए सुरक्षित या संरक्षण रखा जाता है रिकॉर्ड, एक तरह से लाइब्रेरी का मतलब यह है, लाइब्रेरी में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो 1 रुपए की हो या 1 करोड़ रुपए की हो, सबको एक ही साथ रखा जाता है। यानी कि 1 करोड़ वाली चीज़ को थोड़ा ज़्यादा मेंटेनेंस दे दी जाती है, जैसे कि पुरानी किताब है उसमें आपको के पास निगरानी में रहेगा कि इस किताब को ख़राब ना कर दे, और उसमें भी स्पेशल परमिशन पर आपको किताब मिलेगी। अब जैसे हमारे लाइब्रेरी में छोड़ दिए, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी कभी भी आपको देखने तक नहीं मिलेगी।
भले ही उसकी फोटोकॉपी यानी फ़ोटो आपको डिजिटल फॉर्म में आज इंटरनेट पर मिल जाए। तो यही काम होता है लाइब्रेरियन का। लाइब्रेरियन का मतलब यही है कि अपने दस्तावेज को सभी सुरक्षित रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? वेडिंग। ये बताइए, आपको ये मैंने पढ़ा रखा है भाई, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपको मैंने पढ़ा चुकी हैं, तो ये तो आपको पता ही होगी क्योंकि ये सब चीज़ें क्या पढ़ाई थी आपको, याद करिए। ये पढ़ाई थी मैंने आपको कौन से पेपर में? KVS के पेपर में। अब इसका मतलब क्या होता है वेडिंग का? मतलब बताओ, बताइए वेडिंग का मतलब क्या होता है? वेडिंग क्या होता है एक तरह से? अगर गूगल का ट्रांसलेशन लेके चले तो वेडिंग का मतलब क्या कहता है? तो गूगल ने नी राई यही बताया था। तो इसका मतलब क्या होता है बताइए? सोचिए, आप सोचिए, क्योंकि आपको मैंने करा रखा है भाई। देखिए, वेडिंग या निराई एक तरह से, अभी भी आपको नहीं समझ में आया, वो प्रक्रिया है जैसे आपके घर में, या आपका घर है ठीक है, आपके घर में कोई सामग्री है या टूट फूट, यानी कि ये दो चेयर हैं, एक चेयर का पाँव टूट गया, तो आप क्या करोगे? इसे स्टोर रूम में डाल दोगे कि नहीं डाल दोगे? और आपके घर में पुरानी किताबें हो गई या कुछ भी हो गए, वो आपको रद्दी वाले को देने यहाँ पर रख दोगे, स्टोर रूम में रख दोगे? यानी कि पूरे घर में जो आड़ कबाड़ है या फिर जो भी चीज़ें हमें छाँट कर कबाड़ी को देनी है वो अलग रखते हैं कि रख रखते हैं? ऐसे ही लाइब्रेरी साइंस में, यानी कि लाइब्रेरी में, हम जिस भी चीज़ को वीडिंग आउट का मतलब यही है, आउट है ये, ओ सॉरी, वीडिंग आउट, तो आउट का मतलब यही है, वीडिंग आउट ऑफ द बुक कलेक्शन, यानी कि जो बुक कलेक्शन का जो पार्ट है, हमें स्वस्थ रखना है लाइब्रेरी को, और स्वस्थ का उससे रखा जाएगा जो काम की चीज़ें नहीं, जैसे आपके न्यूज़पेपर है, साल भर यूज़ करें, साल भर के बाद क्या करते हो? उसे बेच देते हैं हम लाइब्रेरी में। जो पीरियोडिक्स हैं, जर्नल्स हैं, साल भर यूज़ करें, अगले साल बेच देते हैं कि नहीं बेच देते हैं? क्यों? क्योंकि उससे जो हमारी नई किताब है वो भी आ सकती है, हेल्दी माहौल भी रह सकता है। हेल्दी माहौल कैसे रहेगा भाई? पुरानी किताब भरते चल जाओगे, स्पेस बढ़ता चल जाएगा, जो नई किताब है वो आ ही नहीं, आने के लिए जगह ही नहीं रहेगी, और नहीं जगह रहेगी तो फिर क्या होगा? यही करना पड़ेगा, यानी वीडिंग आउट करना पड़ेगा। वीडिंग आउट का मतलब यही है कि जो पुरानी सामग्री है, जो अनयूजफुल मटेरियल है, उसे बाहर करना, वीडिंग आउट कर देना, और जो नई सामग्री है और जो यूजफुल कॉन्टेंट है उसे हमें लाइब्रेरी में लेकर आ जाना, यानी कि वेडिंग आउट, वे प्रक्रिया है जो लाइब्रेरी में संसाधन यूज फुल नहीं है उसे लाइब्रेरी से बाहर निकालना तथा नए या फिर आवश्यक शक संसाधन को लाइब्रेरी में लाना। ये वीडिंग आउट और वीडिंग इन दोनों में तो बता दिए, वीडिंग आउट यहाँ तक है बस, उसे यूजफुल नहीं, वीडिंग आउट प्रक्रिया है जो लाइब्रेरी के संसाधनों को यूजफुल नहीं है उसे लाइब्रेरी से बाहर निकालना, ठीक है, यहाँ तक है। वीडिंग आउट मतलब सीधे सीधे वीडिंग आउट का मतलब निकाल देना, वीडिंग इन का मतलब है जो सामान आउट करने के बाद इन होता है उसे वीडिंग इन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये था आपका आज का जो सेकंड यूनिट थी वो आपकी कवर हो चुकी है। कल है क्या? 13 तारीख, 3 दिन बचे हैं, 3 दिन में आपके सारा सिलेबस कंप्लीट होना है, तो परेशान मत होइए। अब आपका बचा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में DDC CC, और ये भी आपका हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। फिर कैनन प्रिंसिपल है और लाइब्रेरी कलेक्शन कोड है, ACCR,
ये है। फिर आती है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी और जनरल लाइब्रेरी में यूनिट में कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल सिंपल आपको एक एक चीज़ें पढ़नी है, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं फिर कह रहा हूँ DSSSB के चारों पेपर आपको मिल चुके हैं, KVS के 3 पेपर मिल चुके हैं, इन्हें ज़रूर करके जाना। एक्ट वाली वीडियो ज़रूर देख के जाना, सेस वाली वीडियो, एक्ट और सेस वाली वीडियो ज़रूर देख के जाना। अगर नहीं देख के जाओगे फिर मुझे मत कहना कि आपने कराया नहीं था, मैंने सारी चीज़ें करा रखी है। और पेपर ओल्ड पेपर में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मान के चलिए 40 से 50 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। तो इन दोनों वीडियो को ज़रूर देख के जाना, और तीसरी वीडियो ये आपके पास आई, ठीक है बच्चों। चलिए और ये 18 वीडियो जो मिल रही है आपको चैप्टर वाइज, उन्हें भी देख लो। चलिए तो थैंक यू।